हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो K12X 5G के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको इस फोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को एंड देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे आना है, उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग्स, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ मिलेगा आपको गेस्टर्स एंड मोशंस, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा स्क्रीन ऑफ गेस्टर्स, इस पर क्लिक कर देना है। वैदा पे आपके फोन में ये ऑफ होगा तो इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको ये सभी ऑप्शन ऑफ होंगे, तो इस तरीके से एक एक करके ऑन करेंगे, यहाँ से इसे ऑन करेंगे, इस तरीके से आपको ऑन कर लेना है, यहाँ से इसे ऑन कर देंगे। ओके, इस तरीके से सभी ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब एक एक करके मैं आपको इनका काम बता देता हूँ, कैसे आपको यूज करना है। जैसे कि अगर आप यहाँ से इसे ऑन करते हैं तो क्या होता है, डबल टैप करके आपकी स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाती है। ओके, अगर आप यहाँ से इसे ऑन करते हैं तो क्या होता है कि आप यहाँ पर स्क्रीन ऑफ होती है, उसी पर बंद स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, बी ड्रॉ करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो कैलकुलेटर ऑन होगा, एम ड्रॉ करने से जीमेल ऑन हो जाएगी, और डब्ल्यू ड्रॉ करने से यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले फ़ोन को लॉक कर लेते हैं। अब मैंने जैसे ओ ड्रॉ किया, ओके, तो ओ ड्रॉ करने से मेरा यहाँ पर ये कैमरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर दोबारा से जाते हैं, बी ड्रॉ करते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन हो गई, दोबारा से ड्रॉ किया फ्लैश लाइट ऑफ हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एम ड्रॉ करते हैं, एम ड्रॉ किया तो यहाँ पर हमारा ये जीमेल ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से। ओके, अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से यहाँ पर सेटिंग्स पे आना है, और यहाँ पर आपको नीचे एडिशनल सेटिंग्स पे आएंगे, यहाँ मिलेगा एच एस टी पॉल, इस पर क्लिक करेंगे, एच एस टी पॉल ऑन कर देंगे, और यहाँ से आपका ये होता है, इसे बैक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टैप है, टैप करके बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डबल टैप करके स्क्रीनशॉट इस पर ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पर टच एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, डायरेक्टली आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये फीचर भी आप यहाँ पर अपने डिवाइस में ऑन कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे आना है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ मिलेगा आपको स्पेशल फीचर्स, इस पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर मिलेगा आपको स्प्लिट व्यू, यहाँ पर क्लिक करना है, ये ऑफ होगा तो इसे ऑन करना है। इससे क्या होता है कि आप एक साथ दो स्क्रीन अपने डिवाइस में चला पाएंगे एक साथ से। जैसे कि यहाँ पर हम अभी आते हैं, जैसे कि मैसेंजर एप्लीकेशन ओपन किया, नीचे से ऊपर की ओर थ्री फिंगर स्वाइप कर दिया, अब यहाँ से आप क्रोम भी ओपन कर सकते हैं, क्रोम पर कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो वो कर सकते हैं, बाकी ऊपर दूसरा एप्लीकेशन आपका चलता रहता है। ओके, और फुल करना है इस तरीके से, नीचे की ओर स्वाइप कर देंगे, ये फुल में आ जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा साइड बार ऑन हो जाता है, जिसमें यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा काम करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स पे आना है, स्पेशल फीचर्स पे जाएंगे, स्मार्ट साइड बार पर जाएंगे, और यहाँ से ये ऑफ होगा तो इसे ऑन करेंगे, अब यहाँ से आपका ये ऑन हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसे कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको फोल्डिंग मिल जाता है, फोल्डिंग बार, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डू नॉट हाइड है, और ऑटो हाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, बाकी इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका हाइड नहीं होता है। बाकी यहाँ पर आपका ये सबसे थोड़ा सा ऊपर है, तो इसे नीचे लाना चाहें तो इस तरीके से नीचे ला सकते हैं, जितने नीचे लाना चाहें उतना नीचे आप ला सकते हैं इसे। ओके, और यहाँ पर लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर अगर राइट में है और लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में आ जाएगा, और राइट में करना चाहते हैं तो राइट में आ जाता है। अगर इसका साइज़ बड़ा करना है तो इस तरीके से साइज़ बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से इसे मोटा करना चाहें तो इसे मोटा भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, अब यहाँ से आपको बैक चले जाना है। ओके, अब यहाँ पर आपको आना है, जैसे कि अगर आपको अपने डिवाइस में फिंगर लॉक या फेस लॉक पैटर्न लॉक लगाना है तो यहाँ पर सेटिंग्स पे आएंगे, और यहाँ पर नीचे आएंगे, सिंपली यहाँ पर आपको इस पे आना है, सिक्योरिटी प्राइवेसी पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा डिवाइस अनलॉक, यहाँ से आप अपने डिवाइस में फिंगर लॉक, फेस लॉक, पैटर्न लॉक यहाँ पर लगा पाएंगे। ओके, अब यहाँ से बैक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर अपने डिवाइस में जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के अलग अलग तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सबसे पहला सिंपल तरीका, वॉल्यूम की डाउन बटन एंड पावर बटन दोनों के एक साथ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इस तरीके से दबाते हैं। इसी तरीके से अधिकतर लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब आपको करना क्या है, ऊपर से नीचे को थ्री फिंगर स्वाइप कर देना है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे, तब यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका स्क्रीनशॉट आएगा, सेव कर देंगे। या फिर आप इस तरीके से दोबारा से प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से गोल स्क्रीनशॉट लेंगे, सेव कर देंगे, यहाँ पर गोल स्क्रीनशॉट हो जाता है। या फिर प्रेस करके रखते हैं और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से इस तरीके से आप कट कर पाएंगे। ओके, जो भी आपको कट करना है वो यहाँ पर इस तरीके से सेव करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे तो ये भी स्क्रीनशॉट आपका सेव हो जाता है। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में आना है, एक बार स्वाइप कर देना है, इधर को स्वाइप करेंगे यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर क्लिक कर दिया सिंपली स्क्रीनशॉट आ गया। या फिर आप यहाँ पर साइड बार, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कैसे ऑन करना है, साइड बार ऑन किया स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ भी स्क्रीनशॉट आ जाता है। और यहाँ पर इस बार ऑप्शन पर डबल टैप कर देते हैं तब भी आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है। अब अगर आप यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने हैं तो यहाँ पर इस तरीके से, तो डबल टैप किया स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, अब सिंपली ऊपर को स्वाइप करेंगे यहाँ से डन कर देंगे तो यहाँ से भी आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है। ओके, तो इतने तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे और लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। अब अगर आपको अपने फ़ोन में किसी एप्लीकेशन को हाइड करना है तो कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे आना है, उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग्स, यहाँ पे आएंगे और सॉरी यहाँ पर आपको थोड़ा से नीचे आएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, हाइड ऐप्स कर लेते हैं, तो यहाँ पर हाइड ऐप्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशन हाइड करना है सिंपली इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पहला एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा सेट ए प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट, तो यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूज ए डिफरेंट टाइप पासवर्ड 4 डिजिट का कर देंगे, इस तरीके से अपना पासवर्ड डाल देंगे और यूज पे क्लिक कर देंगे, दोबारा से वही पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आपको फिल कर देना है। इससे क्या होता है कि बाय द वे अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये पासवर्ड को रिकवर करने में मदद करते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेम योर हाई स्कूल, या फिर कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जैसे कि योर नेम, और यहाँ पर सेव कर दिया। अब यहाँ पर अपना नेम हम लिख देते हैं इस तरीके से। ओके, अब यहाँ से इसे सेव कर देंगे और यहाँ पर उसके बाद जाना है सेटिंग्स पे और यहाँ पर हैश और एक 4 डिजिट और दोबारा से हैश, एक एक्सेस कोड सेट कर लेना है जिससे आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशंस को यूज कर पाएंगे, जहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को देख पाएंगे। ओके, यहाँ से इसे डन कर देते हैं और डन कर देंगे, सिंपली बैक चले जाएंगे और यहाँ पर डायलर पे आएंगे और यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके अपना एक कोड डालेंगे और हैश प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हाइड एप्लीकेशन आ जाते हैं। जो भी एप्लीकेशन आप हाइड करेंगे वही एप्लीकेशन आपका यहाँ पर आ जाता है। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको बैक चले जाना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।